चील ने मारा है। क्या हुआ? इसी फातिमा पे जो है चील ने हमला कर दिया। माशाल्लाह सुबह सुबह का मौसम देखें, इतना प्यारे बादल और बारिश हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इधर हो रही है बारिश, इतनी तेज़ हो रही है एकदम से, एकदम तेज़ होती है और आहिस्ता हो जाती है बारिश। सुना तो था कि कराची में बारिश आएगी लेकिन आज आ ही गई है, और बच्चे बेचारे अब गीले होके जाएंगे सारे। अल्लाह हाफिज़। आज अहमद अली की जल्दी छुट्टी होगी ना, ओरल है, ओरल पेपर है। ओके, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कॉमेंट करें। तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं जाता आपका, बस आप सपोर्ट करें, और सपोर्ट करना चाहिए हमें एक दूसरे को, सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो चलें जी, हमारा जो व्लॉग है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और सुबह बच्चे स्कूल गए थे, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, रेस्ट किया मैंने, फातिमा भी सो रही थी, फातिमा के साथ मैं भी सो गई, फिर उठी हूँ, फिर अहमद अली को लेके आई हूँ। अहमद अली का पेपर आज ओरल था तो इसलिए अहमद जल्दी आना था, अहमद ने तो अहमद आया, अहमद ने नाश्ता वाश्ता किया, अहमद अली देख रहे हैं टीवी, और अभी जो हैं दूसरे बच्चे स्कूल से आ गए, मैं बस नाश्ता बनाती हूँ, भूख लग रही है। तो ये लोग कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं, चेंज कर लो, शर्ट पहन लो, नहीं तो मैं दिखा दूँ ऐसे ही। तो चले जी, बच्चे जल्दी जल्दी से भी आए हैं तो इनको नाश्ता देती हूँ, क्योंकि भूख लगी हुई बहुत ज़्यादा। सुबह आजकल जल्दी जल्दी में ना थोड़ा बहुत खाते हैं, निकल जाते हैं, और सही से खाते नहीं ना सुबह सुबह, बच्चों को पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही होती। अच्छा, हम लोग जो थे सुबह सुबह सही प्रॉपर नाश्ता करके जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को ना भूख नहीं लगती सुबह। तो चलें जल्दी से, बच्चे जब तक ये देख रहे हैं ब्लॉग तो हम चलते हैं इनका नाश्ता बनाने, तो फिर आपसे मिलते हैं। अभी जो है ना फातिमा मीरब सो चुकी है और बच्चे जो हैं इधर लगे हुए हैं। बच्चे आ जाओ, क्या कर रहे हो, आओ। हमें इसको चील ने मारा है। क्या हुआ? चील ने मारा है फातिमा। क्या हुआ? चील ने मारा था जल में। कहाँ मारा है? वहाँ खड़ी हुई थी, बाहर दिखा रहा था, चील ने मारा। किधर, गैलरी से? जी, मैंने आप लोगों को कितनी बार मना किया इधर से मत झांको, आजकल पता नहीं क्यों चील यहाँ से मार के जाती है। ये बच्चे जो है ना इस गैप से देखते, इसको बंद कर दो ग्रिल को। अभी मैं बंद करूंगा। बंद करो बेटा। फातिमा इधर देखो, मैं इधर बैठो, काम आ रहा है मेरी जान को, देखो कहीं पंजा वंजा तो नहीं लगा, फोन तो नहीं निकला। ये जी बात है कि चील हमले करने लग गई है। मेरे को भी मारा था एक बार, मेरे को भी मारा था। सर पे ही मारा था, देखो लगी तो नहीं। फातिमा दिखाओ बेटा, सर पे दिखाओ, बैठो। जोर से मार है मेरे बेटे को। हाँ। अब जो वो बिंदी के पे गलती होती है। अब देखें जी, फातिमा पे जो है चील ने हमला कर दिया, बाबा को बताएंगे ठीक है। हाँ। आपको दर्द हुआ था? हाँ, अभी बाबा आएंगे मार के चील को। बाबा को बोलेंगे चील को मारे हैं, सही है? हाँ। हमारी फातिमा को चील ने मारा है। हाँ। वैसे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं जफर, मेरे साथ ही नहीं, चील के साथ किसी ने कोई, इसको बंद तो नहीं पकड़ा तो नहीं था, शायद वो बदले ले रही है, ऐसा तो नहीं हुआ यहाँ पर बच्चे? क्या उस दिन, अगले दिन मैंने देखा चील पकड़ी हुई थी उन्होंने, यही वाली चील थी जी। तो वो बदले हमसे ले रही है, गली में और कोई नहीं मिला उसको, इस गली में घूमती रहती है। हम लोग यहाँ से नीचे देखने के लिए आते हैं ना कि घर बाहर कौन आया है, बैल बजी है तो कौन, देखने के लिए आते हैं, तो वो एकदम से ना पीछे से आती झपट्टा मार देती है। इधर आओ। तो आज तो बेचारी फातिमा को झपट्टा मार दिए मेरे बच्चे को, और चील आपको पता उठा के भी ले जाती, पता है? चलो अब गैलरी में ना जाना ठीक है, मैं आप लोगों को काफी बार मना कर चुकी हूँ, आप भी बहुत जाते हो अहमद अली, आपको तो उठा के ले जाएगी हल्के फुल्के, और तुम यूँ चिल्लाते रहो गया मुझे बचाओ 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 बचाओ, है ना सफर? अहमद के बालों को यूँ उठा के ना यूँ करेगी, उड़ती भी जा रही होगी, अहमद कह रहा होगा बचाओ बचाओ बचाओ। जफर अली कल छुट्टी है स्कूल की जी? 23 मार्च। चलें जी, कल बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी है, 23 मार्च है, और आई थिंक कल कल का रोजा होगा या परसों का, कोई पता नहीं, पाकिस्तान है, आज भी हो जाएगा। हाँ ये तो है, अपने ही चांद निकाल लेते हैं इधर ना।
तो चले। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा काम है कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ। तो बच्चे जो हैं अभी खाना वाना खा लिया इन्होंने, तो मैं अब क्या करने लगी हूँ, यूनिफॉर्म धोना है, थोड़े से कपड़े धोने हैं। तो कल का क्या वेट करना है कि कल छुट्टी है, आज ही धो लेते हैं क्योंकि फ्री हूँ तो कहीं ना कोई काम कर लेते हैं। तो चले मैं जल्दी से कपड़े वपड़े वॉश कर लेती हूँ, तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जब तक इनके बाबा भी आ जाएंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। और यहाँ देखें ये जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे ही बाहर आ गए हैं। ये भी छोटा बच्चा था माशाल्लाह, देखें बड़ा हो गया ये। देखें ये भी जो है ना छोटा बच्चा था, ये तो बड़ा हो गया, इसके सारे पर वगैरह आ गए। और दो बच्चे वो निकले हैं, वो देखो एक को जो है कितना ज़्यादा मारा है तोते ने, अपने ही पापा ने मारा है इसको। और ये इतना खूबसूरत है रेड, इसकी आँखें ये रेड आइज है, और इसको इतना बेचारे को छोटा सा है। हाँ जी, और वो देख ग्रीन वाला जो कोने में नज़र आ रहा है वो भी बच्चा है, वो भी आज सुबह डोली से उतरा है। वाइट वाला चाहिए, वाइट वाला मारेगा, बड़ा हो गया। बाकी और बच्चा है देखें, इसमें भी अभी बच्चा है, देखें नज़र आ रहा होगा छोटा सा ग्रीन, दो हैं माशाल्लाह। और ये देखें जी हम बच्चा निकाल के लाए हैं छोटा ग्रीन वाला, कैसे तेज़ी से भाग रहा है ये। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हटो 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 हटो। ये देखें जी ये बच्चा छोटा सा, गिर जाएगा नीचे, नहीं काटता नहीं काटता नहीं काटता, देखो किधर जा रहा है, पकड़ो, नहीं काटता, ना क्यूट है छोटा सा। देख कितना क्यूट है छोटा, नुन्ना मुन्ना मुन्ना छुन्ना सा। मामा ये झोला है, पद्मा अच्छा लग रहा है आपको? हाँ ग्लीन ग्लीन बहुत है, ग्लीन ग्लीन है ना। मामा क्यों नहीं पहन दगल है, देखो छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है, देखो डर रहा है। हाँ मामा डर रहा है, मामा तो जेल से डर लग रहा है, तो छुपा दो। नहीं नहीं छुपाओ नहीं छुपाओ, पकड़ लो पकड़ लो, नहीं काटता। चलिए बात माने माशाल्लाह, वो बहुत बड़ी बात जा रहा, सो रहा है बाबा, चुप रहा है, चुपने दो चुपने दो चुपने दो उसको। ओए 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 ओए, वो तो बात हो गई, ये क्या कर रहा है बाबा, आपके पास आ रहा है फातमा, तोते को बताओ आपको चीलने को मार रहा है, बोलो मिठू मुझे मार रहा है तोता, मुझे चीलने मुझे आगे से मारा है, आगे से बिंदी पे करी होती है बिंदी पे। ये कहाँ कर रहा है, छुपा हुआ आपके पास, क्यूट है ना छोटा सा, ग्रीन ग्रीन है, चूचा टुक 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 टुक, मलाई डाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मम्मा काटा भी नहीं ये लाई डाला, अच्छा बहुत अच्छा ही लाई डाला। आप कहाँ जा रही हो बेटा? मैं ट्यूशन जा रही हूँ। नहीं आप अभी थोड़ी, आप छोटी हो। नहीं मैं जाऊँगी। आप छोटी हो मेरी जान। बच्चे इधर तैयार हो गए ट्यूशन के लिए, फातिमा आपने नहीं जाना, आप छोटी हो। फातिमा देखें, फातिमा भी तैयार हो गई है, कह रही मैंने भी जाना है साथ। हाँ सफ़र, फातिमा को देखो वो भी कह रही है मैंने जाना है। फातिमा मेरे साथ चलना, रुक जाओ, मम्मा साथ चलना, मम्मा जाएंगी आपको छोड़ने, ठीक है? अभी देखिए इसको कितना शौक है जाने का ट्यूशन। चलो भाई ध्यान से जाना, ठीक है, हाथ पकड़ के अहमद अली का। फातिमा आप मेरे साथ जाना, रुक जाओ, इधर आओ, मम्मा उठा के लेके जाएंगी आपको। चलो मैं भी चलती हूँ, मैं बाया पहनूं, मेरे साथ जाना है, बुरखा पहनूं मैं, हैं मैं बुरखा पहनूं, चलो भाई आप लोग चलो, अपनी इससे कहना कि फातिमा भी आ रही है, ठीक है, फिर अब जाओ ध्यान से, शाबाश। चलो मैं बुरखा पहनती हूँ ना, मैं आपको छोड़ के आऊँगी, सही, हाँ मम्मा आपको लेके जाएंगी, ठीक है। फातिमा का भी दिल कर रहा है ट्यूशन जाने का, और आज मौसम देखें कितना प्यारा हुआ है, सुबह से सुबह बारिश हुई थी और अभी भी हल्के हल्के से बादल हैं, और बहुत यानी कि हवा बड़ी अच्छी चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, आज धूप उस तरह नहीं निकली जिस तरह रोज़ होती है।
चले मैं बच्चों को गैलरी से देख लूँ कि वो जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चों को मैं देखती हूँ। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। आप सबको रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। बस काफ़ी लेट ऐलान हुआ है तो बच्चे जो है ट्यूशन से आए थे, उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, दाल बनाई मूँग की दाल, और हमने खाना वाना भी खा लिया है। हस्बैंड की आज ड्यूटी थी तो वो अभी आए, तकरीबन 10:30 बजे आए, तो अभी आए तो घर पर आके पहुँचे तो ऐलान हुआ है। और मैं जो हूँ बस अभी बैठ के सूरह कदर पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि कहते हैं चांद नज़र आया तो उसके बाद पढ़नी चाहिए। तो मैं पहले भी मैंने पढ़ी है, लेकिन अभी फिर मैंने कहा दोबारा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट ऐलान हुआ है इन्होंने। काफ़ी आपको पता है पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, काफ़ी लेट ऐलान होता है। तो चलें जी, रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमारे रमज़ान गुजरे, सारे रोज़े हमारे अच्छे से जाएँ और अच्छे से हम लोग इबादत करें। ये महीना तो वैसे ही इतना बरकतों का रहमतों का होता है, यकीन करें। मुझे सबसे ज़्यादा पूरे साल में रमज़ान का महीना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इतनी खुशी होती है इस महीने की, इतनी एक अलग से रौनक होती है पूरे बाज़ारों में, बाहर हर जगह इतनी रौनक होती है। ये ऐसी रौनक आपको कहीं भी किसी भी महीने में नहीं मिलेगी। तो बस अभी मैं पढ़ने लगी हूँ, तो हस्बैंड अभी गए हैं दही वगैरह लेना था, क्यों वैसे तो मैं घर पे जमाती हूँ हमेशा दही, लेकिन फर्स्ट डे है तो मैंने कहा आप ऐसा करें आज आप बाहर से ले आएँ, कल से इंशाल्लाह हम घर में ही जमाएंगे दही। और क्योंकि शहरी में आपको पता है लस्सी वगैरह दही वगैरह चाहिए होता है, हस्बैंड खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, बच्चे तो नहीं खाते शौक से। तो चलें जी जल्दी से मैं पढ़ती हूँ सूरह कदर। चांद को देख के पढ़नी चाहिए, 21 बार सूरह कदर पढ़नी चाहिए, उससे ये होता है कि पूरा साल माशाल्लाह आपकी जो है रिस्क में बरकत रहती है। और वैसे भी जो है बस अब महीना स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह हम कुरान पाक भी अपना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आम रूटीन में हम जैसे रूटीन वाइज नहीं पढ़ सकते, लेकिन रमज़ान में स्पेशल जो है हम पढ़ते हैं डेली। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और मस्जिद में ऐलान भी होने लग गया है। तो चले इंशाल्लाह ताला अब व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और अब तैयारी भी करनी है सहरी की, आटा गूंदना है, मुझे बहुत सारे काम हैं। आपको पता है पहला रोज़ा है, तो हस्बैंड कह रहे हैं कि दाल तुमने बना ली है, तो मैं कीमा लाता हूँ वो बनाऊँ। मैंने कहा चलें ठीक है आप लेके आए मैं बना लेती हूँ। तो चलें अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, बस अच्छे अच्छे इबादत करें, अच्छे अच्छे से बस सबको याद रखें, अपनी दुआओं में शामिल रखें। और मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ, मिलेंगे कल नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ। मुझे दें इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।